नमस्कार, आज मैं आपको बकरी के दूध के फायदे बताऊंगा, जिसे गोट मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। जब माताएं बच्चे को जन्म देती हैं और उन माताओं का दूध पूरा नहीं बन पाता, तो उनको बड़े बुजुर्ग कहते हैं जी इस बच्चे को बकरी का दूध पिलाओ, क्योंकि बकरी का दूध बहुत जल्दी पच जाता है और बच्चे को बहुत अच्छा ताकत भी प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है और बच्चे का पूरे ठीक ढंग से विकास में उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। बहुत से लोगों को पता है कि जब हमारे खून में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, तो सीधी एक सलाह दी जाती है जी बकरी का दूध का इस्तेमाल करिए। मगर बहुत कम लोगों को ये पता है कि बकरी के दूध के अन्य और बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें आपको पता चलेगा ना कि हाँ, इन बीमारियों में भी हम इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप उनमें इसका इस्तेमाल करके अपनी बीमारी से छुटकारा भी पा सकेंगे। इसकी तासीर बता देता हूँ, इसकी तासीर ठंडी होती है। अब मैं आपको इसकी मात्रा बता देता हूँ, 150 ml से 300 ml तक आप सुबह इसी तरह, दोपहर को इसी तरह, रात को, आप दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर बीमारियों में दिन में 2 बार सुबह शाम के समय इसका इस्तेमाल किया जाता है, मगर बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें 3 बार भी इसका इस्तेमाल करने के लिए बताया जाता है। कौन सी बीमारी में हमें सुबह लेना चाहिए, कौन सी बीमारी में दोपहर को लेना चाहिए, कौन सी बीमारी में रात को लेना चाहिए, कौन सी बीमारी में हमें 3 टाइम या 2 टाइम लेना चाहिए, जिस बीमारी में आपको जैसे बताया जाएगा उस हिसाब से इसका इस्तेमाल करके आप पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। ज़्यादातर बीमारियों में दिन में 2 समय सुबह शाम इसका इस्तेमाल करने के लिए बताया जाता है, मगर कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें दिन में 3 बार भी इसका समय बताया जाता है कि जी आप 3 समय इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। कौन सी बीमारी में हमें किस समय लेना फ़ायदेमंद होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप उसी समय लेके उसका पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें। इसको ज़रूरत के अनुसार आप इस्तेमाल करेंगे तो ये कभी आपको नुकसान नहीं करेगा, किसी प्रकार का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ना ही आपको इसकी आदत पड़ेगी। ज़्यादातर बीमारियां 1 से 3 महीने में ही पूर्ण रूप से दूर हो जाती है, मगर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें 3 से 6 महीने या 9 महीने का समय भी लग सकता है, इसलिए आप भयभीत मत हो, इसका इस्तेमाल करके अपनी बीमारी से छुटकारा पा लें। जिन लोगों को टीबी की शिकायत है, ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा जिनको फेफड़ों में टीबी की शिकायत है, बार बार वो खांसी बलगम से परेशान रहते, दिन प्रतिदिन वज़न कम होता चला जाता है, या हड्डियों का टीबी तंग कर रहा है, या कुछ महिलाओं को बच्चेदानी में भी टीबी की शिकायत हो जाती है, कुछ पुरुषों को या महिलाओं को आंतों में भी टीबी की शिकायत देखी जाती है। कहने का मतलब ये है कि शरीर में आंतों का टीबी है, गर्भाशय का टीबी है, या हड्डियों का टीबी है, या फेफड़ों का टीबी है, किसी प्रकार के भी टीबी की बीमारी में इसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। टीबी की बीमारी में कहा जाता है कि इसको छुआरे के साथ एक पीस छुआरा इस्तेमाल करके चबा के अच्छे से खाएं, बीज निकाल के फेंक दें और ऊपर से बकरी का दूध पिएं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। टीबी की बीमारी में प्रत्येक व्यक्ति को देखा जाता है कि भूख कम लगती है और दिन प्रतिदिन कमजोरी बढ़ती चली जाती है और उनका वजन भी दिन प्रतिदिन कम होता चला जाता है। जब वो इसका इस्तेमाल नियमित रूप से करते हैं तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। जो कई लोग ऐसे भी देखने में आते हैं जो च्यवनप्राश के साथ बकरी के दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो वो फेफड़ों के टीबी के लिए उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। जिन लोगों की हड्डियों में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन्स पूरे ठीक ढंग से शरीर में बन नहीं पाते, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि बकरी का दूध सुबह शाम लेना शुरू कर दें, आपकी बहुत जल्द हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी। अगर इसके साथ आप बकरी के दूध के साथ आप नारियल का इस्तेमाल, थोड़ा सा नारियल खा के ऊपर से आप बकरी का दूध पियेंगे, तो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा, मतलब बहुत जल्द आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे और आपकी हड्डियों में पूर्ण रूप से ताकत मिल जाएगी। जो लोग बुखार की बीमारी से परेशान हैं,
बुखार बीमारी तो नहीं है मगर लक्षण के रूप में हमेशा तंग करता है। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण या सूजन की शिकायत है तो पहले आपको इंडिकेट करेगा बुखार के रूप में। आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है और कई बार ये तापमान इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति को दिखता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ जिसको होता है बस उसी को महसूस होता है कि सिर में दर्द, शरीर में टूटापन, घबराहट, बेचैनी। सामने वाला कहता है अरे तू तो बहाना बना रहे यार, तो बहाना बना रही होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो थर्मामीटर में नहीं आता, थर्मामीटर में उनको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर शो करता है। तो डॉक्टर भी कहता है अरे आपको बुखार नहीं है, आपका मन का वहम है। तो उनको बुखार की बजाय दिमाग की दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि हम इसको कहते हैं मियादी बुखार, जो हड्डियों के अंदर रुका हुआ रहता है या धातुओं के अंदर रुका हुआ रहता है, जो शरीर में अंदरूनी तौर पर तंग करता रहता है। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा रोज़ाना आप सुबह के समय बकरी का दूध एक दिन में एक बार लेना शुरू कर दें, तो इससे आपके क्या होगा कि आपके हड्डियों के अंदर से, धातुओं के अंदर से पूर्ण रूप से बुखार निकल जाएगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली से जो लोग परेशान है ना आज के समय में, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली सबसे ज़्यादा बढ़िया कारगर साबित होती है। आप ऐड भी देखेंगे ना, हर चीज़ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बनाई जाती है कि जी ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, इसका इस्तेमाल करें इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। मगर प्राकृतिक ने हमें बहुत ऐसी चीज़ें दी हैं, उनमें से एक बकरी का दूध होता है। जब शरीर में इम्यूनिटी पावर हमारी कमज़ोर हो जाती है तो हमारा शरीर बार बार बीमार होने लग जाता है। किसी को एलर्जी बार बार तंग करती है, किसी को किसी तरह की बीमारी तंग करती है, किसी को किसी तरह की। अगर बीमारी तंग ना करे तो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का संक्रमण बार बार शरीर पर होता रहता है। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप परेशान मत होइए, रोज़ाना दिन में 2 बार बकरी का दूध आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। कई लोग कहते हैं जी हम कच्चा बकरी का दूध लें या उबाल के लें, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर तुरंत बकरी का दूध आपको, जैसे बकरी का दूध दुहा और आपको तुरंत मिल गया, तो आप उसका इस्तेमाल उसी टाइम कर सकते हैं। अगर आपको टाइम लग जाता है तो आप उसको उबाल के इस्तेमाल करें, आप उसको कच्चा मत पिएं। जिन लोगों को दमे की शिकायत है, दमे से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जरा सा मौसम बदलता है या मान लीजिए जरा सा ही वो खट्टा ठंडा खाते हैं या धूल धुएं के संपर्क में आते हैं, उनको सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा तंग करती है, घुटन महसूस होती है, बार बार खांसी तंग करती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि बकरी का दूध उबाल के उसे नीचे उतार के हल्का गुनगुना रहने दें। उसके ऊपर 2 से 3 चुटकी आप हल्दी का पाउडर मिला के आप उसका इस्तेमाल कर सकें, और या उसमें गुड़ स्वाद अनुसार अगर आप मिलाना चाहते हैं तो उसमें गुड़ मिला के या शहद, दोनों में से कोई एक चीज़ मिला के इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको दमे की शिकायत से धीरे धीरे दिन प्रतिदिन छुटकारा मिलता चला जाएगा। जिन लोगों को डेंगू, चिकनगुनिया या वायरस के संक्रमण से परेशान है, उनका प्लेटलेट्स खून में कम हो गया है जिससे उनके शरीर में कमजोरी, गले में खराश महसूस करते हैं, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा सुबह शाम बकरी का दूध पीना शुरू कर दें, तो आपका बहुत जल्द खून में प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। आपको चाहे डेंगू के कारण, चिकनगुनिया के कारण या किसी भी कारण शरीर में कमजोरी, शरीर में दर्दें, गले में खराश तंग कर रही है, उसकी शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जो लोग हीमोफीलिया की बीमारी से परेशान है, बार बार उनको फैक्टर लगवाना पड़ता है, तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप परेशान मत होइए, आप सुबह शाम बकरी का दूध पीना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कच्चा मिले उसी टाइम तुरंत दुहा हुआ तो आप उसका इस्तेमाल उसी टाइम करें, या आपको अगर टाइम कुछ समय रखा हुआ मिलता है तो उसको उबाल के पीना शुरू कर दे, तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर आप उसमें चावल की खील, खील होती है ना जो हम दिवाली में पूजा करते हैं, तो वो खील आप उसमें मिला के खाएं तो और ज़्यादा फायदा होगा, जिससे आप बहुत जल्द ठीक होते चले जाएंगे। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ में अपनी दवा भी करते रहे और साथ में इसका इस्तेमाल भी करते रहें ताकि आप पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ बना सकें। जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं और उनका दूध पूरा नहीं बन पाता, या मान लीजिए कोई ऐसी संक्रमण वाली बीमारी है जिसके कारण वो बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती,
तो उन महिलाओं को कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को बकरी का दूध का इस्तेमाल करवाएं, बहुत फायदेमंद साबित होगा। इससे आपका बच्चा हष्ट पुष्ट भी रहेगा और निरोग भी रहेगा और पूर्ण रूप से उसका विकास भी होता चला जाएगा। जिन महिलाओं को मासिक धर्म आता है, और मासिक धर्म आता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, ज़्यादा दिन तक रहता है, या जिन महिलाओं को महीने में 2 बार मासिक धर्म आ जाता है, उन महिलाओं को कहना चाहूँगा कि बकरी का दूध सुबह शाम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बहुत जल्द आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगी। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, आज के समय में ज़्यादातर काम हम नज़र वाला करते हैं, और एक हमारे पास आ गया ये मोबाइल। मोबाइल में बच्चों को आज के समय में ऑनलाइन क्लासें भी देनी पड़ती हैं, उसके कारण बच्चों की आंखें और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिससे उनको देखने में परेशानी होती है, सिर में दर्द तंग करता है। तो उन बच्चों के माता पिता को, या जिन लोगों को ये आँखों की रोशनी कम होती चली जा रही है और उनको चश्मे का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सुबह दिन में 1 बार खाली पेट बकरी का दूध का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसका इस्तेमाल करने से बहुत जल्द आपकी आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे आँखों की रोशनी बढ़ती है और साथ ही आँखों से संबंधित विकार भी दूर हो जाते हैं। जिन लोगों को नाक से नक्सीर आने की शिकायत बहुत तंग करती है, जरा सा मेहनत का काम करते हैं, जरा सा टेंशन लेते हैं तो नाक से नक्सीर आने लग जाती है, उनके खून में जो तत्व होते हैं पूर्ण रूप से तत्व नहीं बन पाते, जिसकी वजह से उनको नक्सीर की शिकायत तंग करती है, या खून में गर्मी जिसे पित्त बोलते हैं वो दोष जरूरत से ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके कारण उनको नक्सीर तंग करती है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि बकरी का दूध नस्य क्रम के रूप में इस्तेमाल करें और बकरी का दूध पीने के रूप में इस्तेमाल करें। पीने के रूप में इस्तेमाल आप सुबह शाम करें। नस्य क्रम इसका कैसे किया जाएगा, 3 बूंद बकरी का दूध लेके नाक में डाल के खींचे, 3 बूंद इसमें डाल के खींचे। ऐसा करने से आपको बहुत जल्द नक्सीर की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जिन लोगों को बाय की शिकायत है, जैसे उम्र बढ़ती है ना हमारी, तो हमारे शरीर में वात दोष की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण हमारे जोड़ों में चिकनाहट कम हो जाता है और जोड़ों में सूजन की शिकायत तंग करती है, चाहे वो रियूमेटिड अर्थराइटिस हो चाहे ओस्टियो अर्थराइटिस हो। ओस्टियो अर्थराइटिस में हड्डियों में कमजोरी आने के कारण गठिया तंग करता है। रियूमेटिड अर्थराइटिस में हमारे इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी हो जाने के कारण गठिया तंग करता है। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप बकरी का दूध ले, इसको 2 तरीके से इस्तेमाल करें, मालिश के रूप में इस्तेमाल करें और पीने के रूप में इस्तेमाल करें। पहले आपको पीने का बता देता हूँ, सुबह शाम इसका इस्तेमाल खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा पीने के लिए। इसमें आप स्वाद अनुसार देसी खांड या शहद, जो आपको पसंद हो, दोनों में से एक कोई चीज़ मिला के इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। अब इसकी मालिश कैसे करें, जहाँ पे आपको जिस जगह पे सूजन है, जिस जगह पे दर्द है, उस जगह पे उस दूध को हल्का सा गर्म करके आप उसकी मालिश करेंगे तो बहुत जल्द सूजन और दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप बहुत जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि ये हड्डियों की इम्यूनिटी को नॉर्मल करता है, इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी को ठीक करता है, और सबसे बड़ी बात ये सूजन को और दर्दों को ख़त्म करता है और हड्डियों को ताकत देता है और उसमें चिकनाहट बरकरार रखता है। जो लोग बवासीर की बीमारी से परेशान हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि बकरी का दूध आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बकरी का दूध इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये बड़ी आंत छोटी आंत को ताकत देता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज़ की शिकायत को दूर करता है। जब कब्ज़ दूर हो जाती है तो बवासीर की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। सबसे बड़ी बात, बवासीर 2 ही कारण से होती है, पाचन तंत्र खराब होने के कारण या कमज़ोर होने के कारण, या मान लीजिए कब्ज रहने के कारण। उसके अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी भी कारण से अगर आपको बवासीर की दिक्कत तंग कर रही है तो आपको कहना चाहूँगा
कि आप रोज़ाना बकरी का दूध इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इससे कब्ज़ की शिकायत, बवासीर की शिकायत और पाचन शक्ति से संबंधित विकार आपके हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। जिन लोगों के चेहरे पर पिंपल्स बहुत निकलते हैं, झुर्रियाँ झाइयाँ बहुत निकलती हैं, काले घेरे तंग करते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा बकरी का दूध लगाने और पीने दोनों के काम आएगा। तो पहले लगाने के काम का बता देता हूँ। किसी कटोरी में बकरी का दूध डाल के, कच्चा बकरी का दूध डाल के उसमें रुई डुबो के अच्छे से चेहरे पर मसाज करें और 15-20 मिनट तक रहने दें। उसके बाद उसे धो दें। ऐसा हफ्ते में 3 से 4 बार करें। और पीने में अब बता देता हूँ, पीने में आपने रोज़ाना सुबह एक दिन में एक बार बकरी का दूध गर्म करके खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से पिंपल्स की शिकायत, झुर्रियाँ झाइयों की शिकायत, घेरे काले घेरों की शिकायत दूर हो जाती है। क्योंकि ये तकलीफ़ें होती हैं, या तो हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाए, या मान लीजिए हमारे शरीर में कमज़ोरी और पेट में गर्मी की शिकायत बढ़ जाती है। तो ये तीनों कमियों को दूर करके हमारी समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है और चेहरे को हमेशा जवान बनाए रखता है। और आपको बताना चाहूँगा कि बकरी के दूध के कोई नुकसान नहीं है। आप इसको उचित मात्रा में लें, अनुचित मात्रा में मत लें, क्योंकि अति हर चीज़ की नुकसानदायक होती है। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।